ये इस तरीके का सेटअप हम लोगों ने बनाया है। अब इसमें आपको कैसे किस टाइप से कनेक्शन करना है, सेंसर किसी भी के, ट्रांसमीटर रिसीवर के, वो हम लोग आपको पूरा इसमें बता देंगे कैसे करना। तो ये इस साइड जो रखा हुआ है ये वाला, ये आपका ट्रांसमीटर रहेगा, ये ट्रांसमीटर की पावर पीसीबी है। तो इस पावर पीसीबी में यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आपको 12 वोल्ट देना पड़ेगा, जो कि हमने बैटरी से लिया हुआ है। इस बैटरी से अभी हमने एक्सटर्नल पावर इसको 12 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंटेड है 12 वोल्ट और ग्राउंड, ये आप यहाँ से दे दें तो इस पूरी पीसीबी में हर टर्मिनल पे 12 वोल्ट आ जाएगा, जिसमें आपको एक सेंसर का 12 वोल्ट इधर कनेक्ट करना है, एक सेंसर का 12 वोल्ट इधर कनेक्ट करना है। और ये आपका रिसीवर साइड आ जाएगा, ये रिसीवर साइड आ जाएगा, सेम इसमें भी ऐसा ही है। इसका सेंसर का 12 वोल्ट ग्राउंड और जो सिग्नल है वो कनेक्ट करना है। तो ये 12 वोल्ट है और ये ग्राउंड है, ये इसका कॉमन करके हमने 12 वोल्ट और ग्राउंड पे लगा दिया, जैसा यहाँ प्रिंटेड है पीसीबी के ऊपर। और जो इसका S1 S2 का जो सिग्नल है, तो इधर जो ये इसका डायरेक्शन रहेगा, इधर से व्हीकल का जो डायरेक्शन रहेगा वो उस साइड से रहेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है इस साइड, ये आपका रहेगा S1, ये आपका S1 रहेगा और ये आपका S2 रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये S1 जो लिखा हुआ है, उस S1 का वायर यहाँ S1 पे लगाना है, और जो S2 सेंसर है, S2 सेंसर का वायर S2 पे लगाना है। ये आपके इस तरीके कनेक्शन हो जाएंगे। और इसको जो पावर पावर जो देना है वो यहाँ पे ग्राउंड और 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 12 वोल्ट आप इसको या तो SMP, हाँ SMPS के थ्रू आप इसको 12 वोल्ट दे सकते हैं। और उसके बाद में ये जो लेन केबल आ रही है, ये कंट्रोलर से होते हुए आएगी, यहाँ पे कंट्रोलर से होते हुए लेन केबल आपको, ये इधर कंट्रोल पे लगी है लेन केबल, वो केबल यहाँ पे लगेगी RJ45 कनेक्टर में। हाँ, और इसी केबल के थ्रू आपका जो भी डेटा रहेगा वो कंट्रोलर पे पहुँचेगा, और वहाँ पे आपको सिस्टम पे जो भी स्ट्रिंग है वो शो होगी। और ये रहेगा आपका मेन कंट्रोलर। तो इसके जो कनेक्शन, जो भी सारे कनेक्शन है वो हमने आपको बॉक्स के अंदर करके दिए हुए हैं। ये हमने जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए पावर सप्लाई अलग अलग यूज़ करी है, ये आपको हमने उसमें डुअल पावर सप्लाई दी है, जिसमें आपको 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों साथ में मिल जाएगा, जो कनेक्टेड है उसके अंदर। और ये जो रिसीवर से जो अपनी लेन केबल आ रही है वो यहाँ पे लगेगी, इसी से आपका डेटा जो है ये सीरियल पोर्ट के होते हुए आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। अभी हम चला के दिखा देते हैं आपको एक बार। और जो लूप है, लूप हमने जो आपको लगा के दिया है अंदर, उसके कनेक्शन हम आपको करके दिए हैं सारे कनेक्शन, बस आपको कॉइल के कनेक्शन करना रहेंगे। तो कॉइल के कनेक्शन जो है वो 7 और 8 नंबर पे आपको कनेक्शन करना है। ये इसको मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे जो पिन है ये जो है 7 और 8, ये 7 और 8 पे आपको लूप की कॉइल के कनेक्शन करना है। ये लूप की कॉइल हमारी इस साइड है, ये लूप की कॉइल है। तो जो भी आपकी लूप की कॉइल होगी उसके कनेक्शन आपको ये 7 और 8 नंबर की पिन पे करना रहेगा। अब जैसे हम इस पर कोई भी मेटल रखते हैं, तो मान लो कोई भी व्हीकल अगर निकलती है तो किस टाइप से स्ट्रिंग शो होगी, आपको स्ट्रिंग कैसे दिखेगी वो बता देता हूँ। जैसे ये व्हीकल निकली तो यहाँ पे पोर्ट पे देखिएगा आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, ये जैसे ही हमने हटाई मतलब गाड़ी निकली तो ये आपको स्ट्रिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको सारा जो भी क्लासिफिकेशन है वो आपको डेट टाइम और S1 S2 का जो भी है वो आपको डेटा मिल जाएगा। जब लूप के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं रहेगी, जब कोई भी व्हीकल लूप पे नहीं है, तो जो सेंसर पीसीबी है उसके ऊपर आपको S1 S2 और XL जो रहेंगे वो ऑफ, LED ऑफ रहेगी। और ये जो लूप वन की जो LED चल रही है ये परमानेंट ऑन ही रहेगी, बिकॉज हमने यहाँ पे जो लूप है इस लूप पे हमने कोई भी लूप कनेक्ट नहीं कराया है, हमने लूप अलग से लिया हुआ है जो हमने कंट्रोलर पर कनेक्ट किया है। तो ये वाली लूप की जो LED है वो परमानेंट रहेगी, बाकी S1 और S2 और XL की जो LED है वो ऑफ ही रहेगी। और उस कंडीशन में जो कंट्रोल पे है वो आपका S1 S2 और XL ब्लिंक करेगा, बिकॉज अभी जो है व्हीकल कट नहीं हुआ है। जैसे ही व्हीकल कट होगा तो इधर जो LED ऑफ है वो ऑन हो जाएगी, और इधर जो ऑन है वो ऑफ हो जाएगी। एक बार अपन करके देख लेते हैं। जैसे ये कोई व्हीकल पास हुआ, तो जैसे ही S1 पास हुआ तो आपका XL और S1 ये ब्लिंक हो जाएगा, इधर आपका S1
और जो एक्सेल है वो ऑफ हो जाएगा और आपका एस वन एक्सेल उसने काउंट कर लिया, और जैसे ही एस टू कट होता है तो एस टू जो है इधर ऑन हो जाएगा और इधर भी एस टू ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी निकल जाती है पूरी तरीके से बाहर, तो आपका जो वापस इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा जैसे पहले था।